नमस्कार दोस्तों, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक जज को बहुत सारी इम्यूनिटीज क्यों दी जाती है। यदि हम कुछ इम्यूनिटीज को देखें, जैसे यदि कोई जज अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई अपराध कर भी दे, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसका क्या कारण है? कितने तरीके का इम्यूनिटीज उन्हें दिया गया है? क्या क्या इम्यूनिटीज उन्हें दिया गया है? और ये तमाम लॉज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि एक होलिस्टिक पिक्चर बन सके। यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं या फिर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बताया गया पॉइंट्स आपको उत्तर लिखने में, आंसर लिखने में मदद करेगा। और सब्जेक्टिव आंसर जब आप लिखेंगे तो उसमें एक अच्छा खासा वेटेज देगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं सेक्शन 77 ऑफ इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता में। यदि हम सेक्शन 77 में जाते हैं, ये कहता है कि एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, कि नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी ऑफेंस नहीं है, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर व्हिच इज और व्हिच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। अब ये कहते हैं कि अपने जुडिशियल कैपेसिटी में एक जज साहब यदि कोई भी काम करते हैं तो वह एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या रेशनल है, क्या लॉजिक है, क्या रीजनिंग है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। रेशनल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी टू जज, ये कहता है कि सेक्शन 77 एंड 78 ऑफ द पीनल कोड गिव्स प्रोटेक्शन टू जजेस एंड टू दोज हु कैरी आउट देयर ऑर्डर्स अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसेस जस्ट एज द जुडिशियल ऑर्डर्स प्रोटेक्शन एक्ट एग्जम्प्ट्स जुडिशियल ऑफिसर फ्रॉम सिविल लायबिलिटी। द रोल ऑफ जजेस एंड दोज इंगेज्ड इन परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शन इज सच दैट स्पेशल प्रोटेक्शन एज रिगार्ड्स देयर ऑफिशियल एक्ट्स एंड कंडक्ट आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द सेक ऑफ फियरलेसनेस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात किया था कि एक जल्लाद को आखिर क्यों पनिश नहीं किया जाता है, जो कि सेक्शन 78 का था। तो आप उस वीडियो को भी देखें, आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, उसको भी जरूर देखें। और ये 77 और 78 बिल्कुल उसी तरीके का है। 77 कहता है जज को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और 78 ये कहता है कि जज के ऑर्डर्स को जो फॉलो कर रहे हैं, जो भी अधिकारी फॉलो कर रहे हैं, उसको भी इम्यूनिटी दी जाएगी। इस तरीके से यदि हम इसको होलिस्टिक वे में समझें, दोनों सेक्शन 77 एंड 78 टॉक्स अबाउट द इम्यूनिटी गिवन टू अ पार्टिकुलर जज। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? यदि हम जस्टिस मार्कवाई के स्टेटमेंट को देखें, ये कहता है कि द ड्यूटीज विच अ मजिस्ट्रेट यूजुअली परफॉर्म आर ऑफ सच अ नेचर एज टू रेंडर इट एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर देयर ड्यू परफॉर्मेंस दैट ही शुड हैव दैट प्रोटेक्शन। He has generally either to punish an offense or to vindicate the rights of a private individual. And if he were hampered by fear of the consequences which might arise from a mistaken conclusion, he would not have the independence of mind which is essential to the discharge of such functions as these. The protection is not confined to persons holding and exercising a regular judicial office, but it extends to any person whose duty it is to adjudicate upon the right or punish the misconduct of any given person. ये कहता है कि protection to judge by securing them immunity from civil liability and criminal prosecution and affording them security of tenure is not a special feature under our law, but is accorded in all democratic countries of the world to maintain an independent judiciary. ये कहता है कि इस तरीके का जो प्रोविजन है वो इसलिए दिया गया है ताकि एक जज फियरलेसली अपना काम कर सके, उनके ऊपर किसी भी तरीके का दबाव ना हो और वो लॉ के अकॉर्डिंग अपना काम कर सकें। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ इम्यूनिटी की। सेक्शन 77 एक्सटेंड स्पेशल इम्यूनिटी टू अ जज अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एक्ट डन बाय हिम जुडिशियली इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। दस टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन थ्री रिक्वायरमेंट्स
मस्ट बी फुलफिल्ड, पहला है द एक्ट मस्ट हैव बीन डन बाय अ जज इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, ये जरूरी है कि यह जो एक्ट किया गया है ये ऑफिशियल ड्यूटी में हो। दूसरा कहता है द एक्ट मस्ट बी विद इन हिज ज्यूरिसडिक्शन, और तीसरा रिक्वायरमेंट जो है वो ये कहता है कि द एक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड इन गुड फेथ, सद्भाव को देखते हुए यदि वह कार्य किया गया है जज के द्वारा तो इसके लिए जज साहब लायबल नहीं होंगे किसी भी कीमत पे। अब कहता है कि द स्कोप ऑफ इम्यूनिटी इज सो वाइड दैट अ जज इज प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन इवन इफ ही एक्सीड्स द ज्यूरिसडिक्शन ग्रांटेड टू हिम बाय लॉ एंड प्रोटेक्ट्स अ मैन फॉर कमिटिंग द एलिज्ड ऑफेंस प्रोवाइडेड द एक्ट वॉज डन इन गुड फेथ एंड अंडर द ऑफिशियल ट्रांजेक्शन। कुल मिलाकर के यदि हम पूरे एपिसोड को समराइज करने की कोशिश करें तो ये कहता है कि दस इफ ए मजिस्ट्रेट अज्यूम्स ऑन एन इरोनियस रीडिंग ऑफ द लॉ दैट ही हैड द ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड अ पार्टिकुलर केस ही इज नॉट क्रिमिनली लायबल फॉर एक्सीडिंग हिज ज्यूरिसडिक्शन दो ही हैड नो अथॉरिटी टू कंडक्ट द केस बट द प्रिविलेज डज नॉट एक्सटेंड टू एक्ट व्हेन अ जज नोइंगली एक्सीड हिज अथॉरिटी और डज समथिंग कंट्ररी टू लॉ। और ये कहता है कि प्रिविलेज, ये जो इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है जज साहब को, ऐसा नहीं है कि वह हमेशा प्रोवाइड हो। यदि जज साहब जानबूझकर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें सामने वाले का नुकसान होता है और वो ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं है तो ऑब्वियस बात है इसके लिए उन्हें दंडित किया जा सकता है। इसके लिए अलग से हम एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल की बात करते हैं, इफ अ जज असॉल्ट और अब्यूजेस अ मैन, किसी पर्सन को वह अब्यूज करते हैं या असॉल्ट करते हैं बिना ऑफिशियल कैपेसिटी के, ऑब्वियस बात है इसके लिए वो लायबल किए जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं टेकिंग ब्राइब, यदि वो ऑफिशियल कैपेसिटी में ब्राइब लेते हैं यह अपराध माना जाएगा और ही इज एज मच लायबल एज एन ऑर्डिनरी मैन वुड बी फॉर दिस एक्ट। तो इस तरीके से हमने समझने का प्रयास किया है कि एक जज को लायबल करना बहुत ही मुश्किल है और सेक्शन 77 और 78 यदि हम देखते हैं आईपीसी का, उसमें जज साहब को जो भी इम्यूनिटीज मिलती है उसके बारे में बताया गया है और किस तरीके के कार्य में ये इम्यूनिटीज खत्म हो जाएगी इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया है। तो आशा करते हैं कि इस छोटे से टॉपिक में आप यह समझने का प्रयास किए हैं कि व्हाट आर द इम्यूनिटीज गिवन टू अ जज, ऑन व्हाट बेसिस दीज इम्यूनिटीज आर गिवन एंड इन व्हाट केसेस दीज इम्यूनिटीज माइट बी टेकन बैक फ्रॉम अ जज। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके का ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और कहीं शायद आपको ना मिले। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, जय हिंद।